मुझे अभी किसी ने मैसेज किया कि भाई आपने टिकटॉक के बारे में इतना बोला, इसमें इतना टैलेंट है, ज़रा टैलेंट तो चेक कर लें। तो मैंने कहा यार आइए चेक कर लेते हैं, अगर आपको टैलेंट लगता हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो नंबर वन, ये बिल बतौड़ी, बिल बतौड़ी कन्फर्म, बिल बतौड़ी। डू यू नो वट इज़ अ बिल बतौड़ी? कुछ करेगी अभी, अभी अभी करेगी, अभी अभी। चल यार, नेक्स्ट नेक्स्ट। बिल बतौड़ी बताता कौन है। तो गाइस मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप करेला खाओ, ओ इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए करेला खाने वाली हूँ। करेला मैंने समझा बोलेगी करेला। जिसने चाय पीनी है ये मैं यहाँ पे आपको ऑफर दे रहा हूँ, आपको यहाँ से पीना है तो कौन कौन मेरे चूसा हुए प्याले से चाय पीना चाहेगा? दुमदार, कंफर्म दुमदार सितारा है भाई। मकसद क्या है ये बनाने का, देखते हैं भाई कोई फिलॉसफी हो क्या पता इसमें। हाँ भाई ये, ओ ये दुनिया से वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है। पीछे पीछे जो रिलेंगे उसका रंग बताओ, जल्दी बताओ। मुझे पता है कोई वो नहीं देख रहा था, मुझे पता है क्या देख रहे थे, शैतान। यार ये क्या बना रहे हैं? तिखे तिखे नैन तेरे, मुल्ला भी होते हैं टिकटॉक पे। रंगनी बुलिया गुलाबी वेख होया मैं मलंगनी। हाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ ऐसे पिंक और गुलाबी हो जाएं तो बिल्कुल आसान है, एक ही रात में आपने आधा लीमू लेना है और शहद लेना है। लीमू को इस तरह शहद के साथ लगा के और ऐसे आपने 5 मिनट तक होंठों के ऊपर इस तरह से लगाना है और सो जाना है। सुबह उठ के होंठ साफ करें, बिल्कुल जितने भी काले सिगरेट पी पी के या किसी भी तरह से हो चुके होंगे बिल्कुल गुलाबी और पिंक हो जाएंगे, जरूर कीजिए। मीठे मौलाना के मीठे टोटके। ओ घर में तो नहाने को मिलता नहीं, आज ट्यूब वेल में नहाऊंगी मैं, चिकनी चमेली बन जाऊंगी मैं, कितनी प्यारी लग रही हूँ, क्यूट सी हूँ, हाथ की मैंने वैक्सिंग नहीं की। ओ हो, हाथ की वैक्सिंग के बगैर आ गई हूँ। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो रज्जो, ये कहाँ जा रही है, ये क्या करना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही हो? ये घर कैसे जाती होंगी वापस, या इनके घर वालों को पता चलता होगा तो क्या होता होगा? नेक्स्ट। एक दिन तू नहीं होना, मेनू सुकून मिल जाना, तेरी याद मेनू कोई नहीं आवनी। ला 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 ला। यार यार ये मतलब ये क्या, ये सोचते कैसे कि ये करना है, कौन सी मखलूक है ये भाई? अच्छा बस के अड्डे पे कोई शरीफ खातून नहीं है, ओके कोई शरीफ खातून है, इसने टिकटॉक शरीफ लग रही थी। ये देख ये देख ये देख, हो गई कंफर्म, मंडी मंडी मंडी। ये यार ये क्या मतलब, इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद, लॉजिक क्या, सोचते क्या होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होता होगा? यार बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम हॉट है ना। ओ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहू है। बहू क्या शॉट है, मैं चला जाऊँ बहू के पास, बहू मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ जा जा, नया सुराग करवा के आ। कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो यार ये मोहल्ले में कैसे निकलता होगा बाहर? यार यार मुझे लगता था सिर्फ लिविंग ऑन दी एज में, ओवर दी एज, या यहाँ पर कभी कभी कोई ऐसे पागल लोग आ जाते हैं। अब ये तो उनसे बहुत आगे हैं, मैं बता रहा हूँ ये ज़मीन की मखलूक है ही नहीं, सारे दुमदार सितारे। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ टिकटॉक नहीं, इनके घर अते पते निकाले जाएँ, इनको घर से पकड़ कर कहीं साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास बैठाएं, ये कहीं और आ जाएंगे, ये टिकटॉक पे नहीं तो कहीं इंस्टा रील पे आ जाएंगे। इनको खुदा इनके भाई, इनको अंदर करो अंदर, ये यहाँ पर रहने नहीं चाहिए, कोई नई चीज़ कर देंगे।